एक बच्चा कह रहा है सर गाबा सर रिपोर्टर की तरह लग रहे हैं सर आप। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, आज बजट आ चुका है। और मैं आपको यह बता दूं कि यह बजट सितंबर 2024 या जिनके एग्जाम दिसंबर में हैं या जिनके एग्जाम जनवरी में हैं उनके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके एग्जाम मई 25 में है या जून 25 में है तब यह बजट तुम्हारे किसी काम का है, नहीं तो बजट किसी काम का नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर हुई 75,000, वो भी न्यू रिजिम में। पुरानी रिजिम में कोई भी चेंज नहीं आया, न्यू रिजिम के टैक्स रेट में चेंज आ गया। जो पहले 3 लाख तक एग्जम्प्ट थे, ठीक है, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से ऊपर, अब वहां पर चेंज आ गया। 3 लाख एग्जम्प्ट, 3 लाख से ऊपर 7 लाख तक, फिर 7 लाख से ऊपर 10 लाख तक, फिर 10 लाख से ऊपर 12 लाख तक, फिर 12 लाख से ऊपर 15 लाख तक, 5, 10, 15, 20, 20 के बाद सीधा 30। अभी भी रेट ऑफ टैक्स वही है, बट बीच में स्लैब रेट में फर्क आ गया। ब्रेकिंग न्यूज, आपकी जो फैमिली पेंशन की डिडक्शन थी, याद करो, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस थी, वो 1/3 और 25,000 विच एवर इज लेस हो चुकी है, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज, आपके जो फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट 40% थे, वो 35% टैक्स रेट हो चुका है। ये कुछ हाईलाइट्स हैं जिसमें तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं तभी कह रहा हूं इसको बहुत डिटेल में करा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। तुम यहां बैठ चुका है तो तुम्हारी टैक्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है। और वैसे भी इस साल अगर आपके दोस्तों के एग्जाम है, इस साल का मतलब जिस साल में बजट आया, आज आया बजट, तो अगर चाहे सितंबर में सीए वाले बच्चों के एग्जाम है ही आपको पता है, या दिसंबर में कुछ दोस्त आपके सीएस वाले होंगे, सीएमए वाले होंगे, या जनवरी में सीए वाले बच्चों के एग्जाम है, उनमें बजट किसी काम का नहीं है। मई 25 या जून 25 के एग्जाम में ये बजट एप्लीकेबल होगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। समझ में आ गया। और भी कई सारे चेंजेस हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ थोड़े बहुत टैक्स के चेंजेस आए हैं, बट वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आती है क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आ जाती है क्या? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आ जाओ मेरे दोस्तों, फिर आओ जी, फटाफट से आओ यार।